Good morning, students. Welcome in online classes of NRPS School. In my previous lecture, we will started chapter 2, Nutrition in Animals. जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन फर्स्ट चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैं कि एनिमल्स जो हैं वो न्यूट्रिशन को कैसे गेन करते हैं, अपनी बॉडी में किस तरह से लेते हैं. तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में वो है होलोजोइक टाइप, इन विच होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टाइप इन विच जो लिविंग बींग है, ऑर्गेनिज्म है, वो सॉलिड फूड को ही क्या करता है, टेक करता है, बॉडी के अंदर लेता है. तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं. आज बच्चों, जैसे कि कल वाले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था अमोइबा में न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन इन अमोइबा. तो अमोइबा में न्यूट्रिशन के लिए जो पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया. वो इररेगुलर शेप में होता है अमोइबा, किसी भी शेप में रह सकता है, और वह जब भी फूड पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके सूडोपोडियास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जिससे वो फूड को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसके बाद में उसको बॉडी के अंदर ले लेता है. बॉडी के अंदर जाने पे वो फूड पार्टिकल जो है वो फूड वैक्यूल बनाता है, और फूड वैक्यूल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टेड द फूड एंड अमोइबा गेट न्यूट्रिशन फॉर फूड फॉर दिस. ये अमोइबा वाला जो है वो हमने कल पढ़ा, आज हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे. वी यू नो वेरी वेल दैट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. इन इंजेशन इन दिस प्रोसेस द फूड वी टेक इन, जिस प्रोसेस में हम फूड अंदर लेते हैं उसे हम इंजेशन बोलते हैं. इन डाइजेशन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन विच प्रोसेस दैट ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. जब डाइजेशन के थ्रू फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन बी हेल्ड, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा. एब्जॉर्प्शन, देखो हमारी जो बॉडी है वो फूड को सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती, बट वो एब्जॉर्ब करती है इन सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म. सो सॉल्युबल एंड सिंपल फॉर्म में फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है. देन नेक्स्ट, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसमें से न्यूट्रिएंट ले लिए गए और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन रहता है, तो रिमूवल प्रोसेस जो है वो है ईजेशन का. द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन. सो दैट्स स्टेप्स आई थिंक क्लियर. आज हम ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अमोइबा हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्टेप्स वही रहते हैं, चाहे अमोइबा हो, चाहे ह्यूमंस हो, या अनदर लिविंग थिंग्स हो, स्टेप्स जो हैं, जो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं वो यही फाइव रहते हैं. इन्हीं की कंटिन्यू करते हुए हम इसको समझेंगे. ये डायग्राम है बच्चों, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे आप इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देख रहे हो, पार्ट्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है. देखो कोई भी सिस्टम होता है वो बना होता है मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गन से. देखिए बच्चों, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बनी है सेल से. जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल. अब ये जो सेल्स हैं, मैनी काइंड्स ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है वो मिलकर बनाती हैं टिश्यू. क्या बनता है, टिश्यू. टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेम काइंड सेल, एक ही तरह के सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज. तो टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम, एंड सिस्टम से बनी है हमारी बॉडी.
इसी तरीके से ये हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे फॉर्म हुई है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो हमारा हम घर बनाते हैं, तो घर में बच्चों सबसे स्टार्टिंग क्या होती है कि ईंटें लगाई जाती है, तो वो ईंटें क्या है, सेल है, और बहुत सारी ईंट मिलकर एक वॉल बना रही है, एक दीवार बना रही है, तो वो ब्रिक्स से जो वॉल बनी वो क्या है, टिश्यू है, और जो बहुत सारी वॉल्स मिलकर क्या बना रही है, रूम बना रही है, तो रूम जो है वो क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, और वो बहुत सारे रूम मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा होम बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। सो ये सारी ही चीज़ हमारी बॉडी में भी, इस एग्जांपल को हम समझ सकते हैं कि मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो आपस में कंबाइंड होती हैं एंड दे मेक टुगेदर टिश्यूज़। टिश्यू जो फॉर्म होता है, टिश्यू जो है वो ग्रुप है सेल्स का, पर सिमिलर सेल्स का, एक जैसी सेल्स जो होती हैं वो मिलकर अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाते हैं। सेम काइंड ऑफ सेल्स होंगी तो वो एक टिश्यू का ग्रुप बना लेगी, फिर नेक्स्ट सेम काइंड ऑफ सेल्स जो होंगी वो टिश्यू बना लेगी, तो टिश्यूज़ बन जाते हैं। ऐसे ही जो वेरियस काइंड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, दे मेक ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स आपस में साथ में आकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। तो जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे बहुत हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएशन सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसी तरह इसी में से एक सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका पार्ट देखो, जो माउथ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एक्सेट्रा, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, लिवर। अब क्या है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक पाथवे बनाता है, पाथवे मीन्स एक रास्ता है, और उस पाथवे में जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो है माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ये पाथवे क्या होता है, ख़त्म हो रहा है, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे है, माउथ, और इसका एंड पॉइंट कौन सा है, एनस। तो माउथ टू एनस का जो पाथवे है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, इस डायग्राम से अभी मैं लिखवा दूंगी आपको, सब रिटन हो जाएगा, अभी मैं आपको इस डायग्राम से सिर्फ आपको समझा रही हूँ जो पाथवे है कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक का जो पाथवे है उसको हम पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एनिमल एलिमेंट्री कैनाल है, इसके पार्ट्स हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल की अगर डेफिनेशन होती है तो द पाथवे बाय विच फूड एंटर्स इन द बॉडी एंड सॉलिड वेस्ट आर एक्सपेल्ड एट द एंड, जिसमें फूड जो है वो बॉडी में एंटर करता है और एक्सपेल्ड होता है फ्रॉम एंड पार्ट, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। द पाथवे बाय विच, आई रिपीट, द पाथवे बाय विच फूड एंटर्स द बॉडी एंड सॉलिड वेस्ट आर एक्सपेल्ड एट द एंड इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो है जहाँ से एंटर कर रहा है माउथ से एंड एक्सपेल्ड टू एंड इज कॉल्ड, ये जो पूरा पाथवे है इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। गेट इट। अब देखिए ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री के और कैनाल्स के अगर ऑर्गन्स आते हैं तो आप क्या क्या ऑर्गन्स लिखोगे, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे ये लिवर और जो पैनक्रियाज है ये ग्लैंड है, ग्लैंड्स और जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ जूस,
जिसकी वजह से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई, ये डायग्राम समझ में आया बच्चों। अब आपको ये डायग्राम को बिल्कुल अपने ब्रेन में एकदम प्रिंट कर लेना है, क्योंकि यही डायग्राम जो है आपको ध्यान में रखते हुए बाकी जो जितने भी अब मैं आगे पढ़ाऊँगी वो सारे इसी यही ऑर्गन्स के बारे में बताऊँगी। और इन्हीं ऑर्गन्स में कौन इन ऑर्गन्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, वो सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूँगी। ये डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल जो है ये उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, माउथ पे, और एंड कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है इसका एनस पे। तो द पाथवे बाय विच एलिमेंट्री कैनाल The pathway by which food enters the body and solid waste expelled at the end। तो वो पाथवे जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन है, द पाथवे बाय विच फूड एंटर्स द बॉडी एंड सॉलिड वेस्ट एक्सपेल्ड एट द एंड, जिसमें सॉलिड वेस्ट जो है वो एक्सपेल्ड हो जाता है। अब देखो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके ऑर्गन्स, ठीक है, तो आप इसमें लिखें ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन देखो, माउथ से स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, ईसोफेगस जो है उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, आहार नाल, खाने की नली, फूड पाइप, ठीक है। तो ये ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद में जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में एनस, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो ये पार्ट्स हैं, माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, यही पाथवे है। देखिए माउथ से ईसोफेगस फूड पाइप, ये फिर स्टोमक है, स्टोमक के बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन है बाहर वाली, अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद में एनस। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये हैं एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएशन ग्लैंड्स लाइक पैनक्रियाज लीवर टुगेदर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या बोलेंगे,
देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम वो है जो फूड डाइजेस्ट करने के काम आता है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और जो ग्लैंड्स हैं लिवर और पैनक्रियाज, इसको इसका एसोसिएशन है, इसको मिलकर सब मिलाकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं अपन, डाइजेस्टिव सिस्टम the elementary canal and the association of glands like liver and pancreas together form digestive system। So digestive system जो है उसकी definition है the alimentary canal and the association of glands like liver and pancreas together form the digestive system। दोनों साथ में मिलकर सब क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। मतलब एक एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको ये लिखवा दिए हैं, और यहाँ आपको साफ डायग्राम में दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएशन ऑफ ग्लैंड्स लाइक लिवर एंड पैनक्रियाज टुगेदर फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। दोनों सभी साथ में मिलकर ये क्या बना रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। सो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स क्लियर, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन जो है वो आज अपन ये टॉपिक किया अपन ने, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये चीज़ें जो मैंने लिखवाई है वो आपको साथ के साथ लर्न करनी है। ये डायग्राम जो है मैं बता रही हूँ, डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस डायग्राम अगर आपको आता है, डायग्राम के ये सारे ऑर्गन्स वगैरह आते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगी। और आगे जब हम हर ऑर्गन का, जैसे स्टोमक है, स्टोमक में क्या डाइजेशन हो रहा है, किस तरह से डाइजेशन हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, तो ये जितने रोल्स इनके हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो ये जो आपको अभी वापस से एक बार जो मैंने पढ़ाया है वो आपको मैं रिकॉल कर देती हूँ, कि जो मैंने पढ़ाया आपको द पाथवे बाय विच फूड एंटर्स द बॉडी, है ना, पाथवे जिससे फूड जो है वो बॉडी में एंटर कर रहा है, एंड सॉलिड वेस्ट एक्सपेल्ड एट द एंड इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स लाइक लीवर एंड पैनक्रियाज गेट टुगेदर, साथ में आते हैं एंड फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल और किससे बना है, सीक्रेटरी ग्लैंड से बना है, जो दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। तो बच्चों आज का मैं होमवर्क आपको दे देती हूँ, होमवर्क लिखिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकेंड, डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन आपको देनी है. नेम ऑल पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स लिखवाए हैं, इस डायग्राम में भी शो हो रहा है, तो उन सभी को आपको उनके नेम लिखने हैं. तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो आज के होमवर्क के लिए हैं, और आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है और साथ में लर्न करना है. डायग्राम में आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाएं, बहुत साफ सुथरा डायग्राम होना चाहिए. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.